हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडर्स वेब चैनल। दिस इज गौतम करे साइनिंग इन। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले डोमेन नेम के बारे में। ये डोमेन नेम क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करें डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्ड्स इन डीएनएस, डीएनएस में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उसका यूज क्या है वो भी हम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ये जोन फाइल क्या है, व्हाट इज जोन फाइल, इसके बारे में हम लोग करने वाले डिस्कशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये डोमेन नेम क्या है, व्हाट इज डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ये क्या होता है। मान लो आपको, आप अगर कोई एक वेबसाइट विजिट करते हो एज ए विजिटर, अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो आपकी आईपी होती है वो होती है डायनेमिक आईपी, बट आप जो वेबसाइट विजिट करते हो उसकी होती है स्टैटिक आईपी। ठीक है, आप जो वेबसाइट विजिट करते हो उसकी होती है स्टैटिक आईपी। अज्यूम कर लो कि ना उस वेबसाइट के अगर डायनेमिक आईपी हो तो क्या होगा, चलो देखते क्या होगा। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप google.com विजिट कर रहे हो और उसकी आईपी है डायनेमिक आईपी, तो क्या होगा, आप ब्राउजर में गए google.com टाइप किए तो क्या google.com पे जाओगे, नहीं, उसकी आईपी है डायनेमिक आईपी। आप कोई और ही वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो डायनेमिक आईपी अगर होती अगर वेबसाइट्स की तो ये सब कंफ्यूजन होता, तो इसीलिए वेबसाइट को दिया है स्टैटिक आईपी, ताकि आप जो भी वेबसाइट विजिट करोगे उसकी होगी एक स्टैटिक आईपी, वही पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जब भी जाओगे ब्राउज करने पे। बट क्या आपको ये सारी आईपीज वेबसाइट की ध्यान में रह पाएगी, कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो आईपीज, मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके दिखाता हूँ कि गूगल की क्या आईपी है। ये मैं गूगल पे गया, कमांड मैंने यहाँ पे यूज किया पिंग, फिर गया google.com पे, google.com, ठीक है, एंटर मैंने। तो देखो ये जो है, देख रहे हैं आपको 142.250.199.142, ये जो आईपी है वो है गूगल की आईपी। तो मान लो अगर आपको है ना google.com पे जाना है तो क्या ये आईपी आप कॉपी करोगे यहां से और ब्राउजर में पेस्ट करोगे, नहीं ना। तो इसीलिए ना आईपी को दिया है नेम, उसे कहते हैं डोमेन नेम। आप आईपी ध्यान में नहीं रख पाओगे बट आप उसके डोमेन नेम तो याद कर सकते हो ना, तो इसीलिए ये सब कंफ्यूजन होने न होने के लिए आईपीस को दिया है डोमेन नेम, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या है, डीएनएस का लॉन्ग फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये डोमेन नेम सिस्टम ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट के ऊपर यूज होता है, ठीक है। DNS जो है क्रूशियल सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में। चलो अभी हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे DNS का। पहला जो की पॉइंट है इसका DNS का वो है एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो DNS जो है ये इंटरनेट का एड्रेस बुक है, ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में, ठीक है। सेकेंड जो की पॉइंट है इसका वो है रिजॉल्विंग क्वेरीज। अभी एग्जांपल के मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये रिजॉल्विंग क्वेरीज। मान लो आपने वेब ब्राउजर पे एक वेब एड्रेस टाइप किया, ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपको कहाँ लेके जाता है, डीएनएस को कॉन्टेक्ट करता है। डीएनएस कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी डीएनएस का काम क्या है, डीएनएस का काम ये है वो पर्टिकुलर डोमेन वेब एड्रेस जो आपने टाइप किया है उसके आईपी एड्रेस तक आपको लेके जाना, आपको वहां पे कनेक्ट कर देना। तो ये हो गया आपका रिजॉल्विंग क्वेरी, इसका पॉइंट क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है रिडंडेंसी। सी डीएनएस इज डिजाइंड विद रिडंडेंसी इन माइंड। देखो जितने भी डोमेन्स है उसके मल्टीपल डीएनएस सर्वर होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि एक डीएनएस सर्वर अगर अनरीचेबल है तो उसका रिप्लेस करेगा नेक्स्ट डीएनएस सर्वर, ताकि आप जो सर्च कर रहे हो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस तक आपको कनेक्ट कर पाए,
तो ये हो गया रिडंडेंसी। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन डीएनएस रिकॉर्ड टाइप्स के बारे में। तो इसमें पहला जो रिकॉर्ड है वो है ए रिकॉर्ड। तो ए रिकॉर्ड जो डीएनएस में है वो डिनोट करता है आईपी ऑफ ए डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक वेबसाइट विजिट की, चलो आपने www.google.com विजिट किया, तो डीएनएस चेक करता है उसका ए रिकॉर्ड डोमेन का, और चेक करने के बाद उस पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर आईपी तक लेके चलता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है फोर टाइम्स नेम, इसका भी काम वही है जो ए रिकॉर्ड का है। तो नेक्स्ट जो आता है वो है सी नेम। अब सी नेम रिकॉर्ड क्या है? तो सी नेम रिकॉर्ड जो है डीएनएस में वो चेक करता है, फॉरवर्ड करता है डोमेन और सब डोमेन को दूसरे डोमेन में, ठीक है। अब आता है एमएस रिकॉर्ड। एमएस रिकॉर्ड का मतलब है मेल सर्वर रिकॉर्ड। अब एमएस रिकॉर्ड जो डीएनएस में है चेक करता है और डायरेक्ट करता है ईमेल को ईमेल सर्वर पे। फॉर एग्जांपल अगर एक ईमेल है, मान लो एक ईमेल है user@spidersweb.com, तो एमएस रिकॉर्ड चेक करेगा कि ये ईमेल है ना कौन से सर्वर से कनेक्टेड है और उस सर्वर तक वो रिडायरेक्ट कर लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो रिकॉर्ड आता है वो है एनएस रिकॉर्ड, मीन्स नेम सर्वर रिकॉर्ड। डीएनएस की नेम सर्वर की एंट्री यहाँ होती है एनएस रिकॉर्ड में, ठीक है, नेम सर्वर रिकॉर्ड में। अब नेक्स्ट जो आता है वो है पीटीआर रिकॉर्ड। ये प्रोवाइड कर रहा है डोमेन नेम फॉर रिवर्स लुकअप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो एसओए रिकॉर्ड। एसओए रिकॉर्ड में होता है एडमिन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डोमेन। एक डोमेन है उसका एडमिन का इंफॉर्मेशन रखता है एसओए रिकॉर्ड। उसके बाद आता है वो है एसआरवी रिकॉर्ड। स्पेसिफाई करता है पोर्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है मेरे वेबसाइट से या फिर कोई एक फाइल डाउनलोड करनी है मेरी वेबसाइट से, तो एसआरवी रिकॉर्ड चेक करता है कि वो कौन से सर्वर से डाउनलोड हो या कौन से पोर्ट से डाउनलोड हो, ठीक है। तो ये काम है एसआरवी रिकॉर्ड का। अब नेक्स्ट जो आता है वो है टीएसटी रिकॉर्ड। इसका काम क्या है टीएसटी रिकॉर्ड का? एडमिन जो होते हैं, ठीक है, वो उसका वो कोई भी फाइल इनपुट कर सकता है टेक्स्ट फाइल यहाँ पे। तो ये है टीएसटी रिकॉर्ड का काम, ठीक है। तो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे ये जोन फाइल होता क्या है, व्हाट इज जोन फाइल। तो ये जोन फाइल जो है वो एक टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है डोमेन नेम सिस्टम में। जोन फाइल क्या करता है? जोन फाइल ट्रैक करता है वेबसाइट एड्रेसेस को और उनकी लोकेशंस को, कहाँ पे? इंटरनेट पे, ठीक है। जब भी आप वेब एड्रेस टाइप करते हो वेब ब्राउजर पे, तो जोन फाइल क्या करता है? जोन फाइल हेल्प करता है कंप्यूटर को राइट वेबसाइट्स फाइंड करने में, ठीक है। और जोन फाइल क्या करता है? स्टोर करता है रिकॉर्ड डोमेन का, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया जोन फाइल के बारे में। तो ठीक है गाइस, आज का टॉपिक खत्म हो गया है। तो गाइस हमारे स्पाइडर्स वेब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।